हेलो गाइस, मेरा और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज हम गणपति बापा जी की वाला रेफरेंस वाटर को ड्रॉ करने वाले हैं। मैं वाटर कलर की यूज़ करके पेंटिंग बनाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। मैं पूरा रियलिस्टिक 3D बनाने के लिए कोशिश करूंगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर देखा था ऐसे ही पूरा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बेस्ट देने के लिए कोशिश किया। इधर देख सकते हो कितना हर एक पार्ट को पूरा डिटेलिंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हो गणपति बापा जी की जो बैकग्राउंड में पूरा डिजाइन था उस डिजाइन को मैंने पूरा फिलहाल कम्प्लीट कर लिया। अभी गणपति बापा जी की पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे हम लोग। देख सकते हो पूरा हर एक पार्ट को पूरा डिटेलिंग देंगे। इधर मैंने ज्वेलरी को ड्रॉ करने के लिए मैंने व्हाइट पेन की यूज़ किया है। व्हाइट पेन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने पूरा हाईलाइट देना है ज्वेलरी के ऊपर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी देख सकते हो ज्वेलरी वगैरह मैंने ड्रॉ कर लिया है फिलहाल। अभी बैकग्राउंड में जो वस्त्र है उसको भी जल्दी ड्रॉ कर रहे हैं सेम रियलिस्टिक। इधर मैं हर एक पार्ट को पूरा रियलिस्टिक बनाने के लिए कोशिश किया है। देख सकते हो मैंने पूरा मेरे बेस्ट देने के लिए कोशिश किया है, पूरा हर एक पार्ट को पूरा 3D लुक दिया है। देख सकते हो अभी नीचे का जो वस्त्र बचा है उसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे, पूरा इसको भी पूरा सेम रियलिस्टिक पूरा 3D लुक देंगे जैसे पूरा हमारा पिक्चर पर रियलिस्टिक निकले। देख सकते हो एक साइड को मैंने पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अभी दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही पूरा ड्रॉ कर लेंगे, पूरा 3D लुक देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना आप लोग कैसा लगा ये वाला पेंटिंग। बस्त के ऊपर जो ज्वेलरी है उसको भी हम पूरा ऐसे रियलिस्टिक लुक देंगे। देख सकते हो मैं कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ज्वेलरी को पहले ड्रॉ करने के पहले ग्रे कलर यूज़ करना है। तो ग्रे कलर यूज़ करने के बाद हमको व्हाइट कलर से हाईलाइट देना है। हाईलाइट देने के बाद हमको ब्लैक कलर से उसका शेडो बनाना है। आप लोग को पेंटिंग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा कमेंट जरूर करना, क्योंकि पेंटिंग बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। ये वाला पेंटिंग बनाने के लिए मैंने रात के 3-4 बजे तक पेंटिंग ये पूरा बनाने के बाद कम्प्लीट हुआ है ये मेरा पेंटिंग, क्योंकि मुझे गणेश पूजा के आगे मुझे इसको ड्रॉ करना था। इसलिए मैंने रात के 3-4 बजे तक पूरा ड्रॉ करने के बाद ये मेरा पेंटिंग कंप्लीट हुआ है। आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा, एक बार इसका पेंटिंग पूरा फुल देखना वीडियो, आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। लास्ट तक बने रहना, अभी पूरा फिलहाल कंप्लीट होने ही वाला है। अभी अपने नीचे का जो उसका सिंहासन है उसको भी हमने ड्रॉ कर लेंगे, फिर हमारा पेंटिंग खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा बैकग्राउंड का काम बचा है उसको भी जल्दी ड्रॉ कर लेंगे, फिर हमारा पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड को मैंने इधर भी अच्छे से पूरा ड्रॉ करने के लिए कोशिश किया है। देख सकते हो कैसे मैं ड्रॉ किया है। बैकग्राउंड का तो ऊपर वाला हिस्सा बन चुका है, अभी नीचे वाला थोड़ा बहुत बचा है। पत्थर वगैरह जो नीचे रहता है उसको मैंने भी ड्रॉ किया है। इधर देख सकते हो रेफरेंस फोटो में जैसा था मैंने पूरा सेम टू सेम ड्रॉ करने के लिए कोशिश किया है। इधर रेफरेंस फोटो में मूसक जी नहीं थे इसमें, उस फोटो में मैंने अलग से ड्रॉ किया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मूसक जी को भी मैंने पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लिया, अभी थोड़ा बहुत बचा है। गणेश जी की जो आँख है आँखों में मैंने ड्रॉ नहीं किया था, मैंने लास्ट को छोड़ा था ड्रॉ करने के लिए। अभी उसके आँखों भी पर जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल गणपति बापा जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टिकर निकालते हैं, इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ देखो, पूरा बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इस पेंटिंग के ऊपर हम ऑयल के यूज़ करेंगे। ऑयल के यूज़ करने के बाद अपना हमारा पिक्चर जैसे पूरा प्रिंट आउट जैसे निकलता है ऐसे ही पूरा लगेगा आप लोग को। फुल पेंटिंग में हम ऑयल के यूज़ कर लेंगे, फिर हमारा पेंटिंग पूरा वाटरप्रूफ बन जाएगा। पानी भी डालेगा तो कुछ नहीं होगा, पूरा परमानेंट के लिए पूरा पेंटिंग बन जाएगा हमारा। अभी देख सकते हो पिक्चर पर हमारा कितना शाइनिंग कर रहा है, मस्त दिख रहा है एकदम। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा मुझे। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर वीडियो।